लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। कशरावत रबी सीजन में किसानों को रासायनिक खाद खासकर यूरिया DAP के क्षेत्र में उर्वरकों की आपूर्ति और निगरानी को लेकर रविवार को SDM अग्रिम कुमार ने वरिष्ठ कृषि पदाधिकारी BS सिंगर के साथ नगर में स्थित खाद की कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद विक्रेताओं को POS मशीन से ही खाद बिक्री करने के निर्देश दिए। SDM और कृषि अमला संजय एजेंसी, बालाजी कृषि सेवा केंद्र, अन्नपूर्णा स्टोन सप्लायर, रोहित एंड सन्स और राज्य सहकारी संघ के गोदामों पर पहुंचे और सघन निरीक्षण किया तथा दुकानों के मालिक से खाद की उपलब्धता की विस्तार से जानकारी ली। SDM अग्रिम कुमार ने कहा कि किसानों की जरूरत के अनुसार खाद्य उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन प्रयासरत है और दुकानदारों को हिदायत दी गई कि दुकानों पर खाद की बिक्री सहित पूरा विवरण स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए, जिससे यह पता चल सके कि कितने बैग खाद का वितरण हुआ। निरीक्षण दल में कृषि विकास अधिकारी सुभाष मेहता, अनिल सोनी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सर, ये जो आज खाद दुकानों पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या मामला देखा? सर, माननीय SDM साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में हमारे एग्रीकल्चर की पूरी टीम सभी खाद उर्वरक जो निजी हैं कसरावत में और जिला विपणन का जो केंद्र है, उन सभी के जो है रबी के सीजन में चूंकि किसानों को खाद की आवश्यकता है, DAP और यूरिया की किसानों को आवश्यकता पड़ेगी, इसको मद्देनजर रखते हुए सभी का भौतिक सत्यापन किया गया है। सभी लोगों के जो लाइसेंसधारी हैं, उन लाइसेंसधारियों का पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया है। पॉस मशीन द्वारा जो खाद वितरण किया जाता है, उस पॉस मशीन की स्लिप निकाल के और गोडाउन में जो उपलब्ध स्टॉक है उसका मिलान किया गया है और मिलान करके जो कमियां पाई गई हैं उनको माननीय SDM साहब ने निर्देश दिया है कि किसी भी हालत में पॉस मशीन और गोडाउन में जो खाद है उसका एक ही स्टॉक होना चाहिए और किसानों को दें तो पक्के बिल दें। किसी भी हालत में किसानों के हस्ताक्षर कराने के ही बिल किसानों को दिए जाए। इस संबंध में जो है जितने निजी विक्रेता हैं उनको सभी को निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं और किसी भी हालत में अगर किसी किसान को अधिक कीमत पर कोई भी डीलर बेचता है तो उसकी तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय कलेक्टर साहब के निर्देश पे हम और माननीय SDM साहब और हमारी पूरी टीम सभी निजी उपभोक्ता और सभी सरकारी संस्थाएं इन्हें सभी में सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सतत निगरानी रखे हुए हैं कि किसान को किसी भी हालत में जो है ना समय पर खाद उपलब्ध हो। कसरावत में सभी दुकानों की गई सर? हाँ, कसरावत में जो हमारे निजी उर्वरक विक्रेता हैं वो सभी सभी विक्रेताओं के हम लोगों ने चेकिंग किया है। माननीय SDM साहब भी साथ में रहे हैं और SDM साहब द्वारा भी जो है दुकानों को निर्देश दिए गए हैं कि बड़ी सरलता और सुगमता से किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाए, किसी प्रकार की किसानों को परेशानी नहीं हो और सभी किसानों के साइन बिल उपलब्ध कराने के बाद ही खाद। सर, आपका नाम? सर, मैं BS सिंगर, परिस्थिति विकास अधिकारी, कसरावत। संवाददाता सेवक राम चौबे।